ट्रैक्टर वर्क साहब सभी जिम्मेदार भाइयों राम राम भैया। आज हम आए हैं गांव बिचपड़ी है, जैसे कैथल जा रहे थे कैथल चल के बिचपड़ी गांव है, बिचपड़ी आए हम। तो कई बार ड्राइवर भी इतनी ज्यादा लापरवाही कर दे भैया। हमने ट्रैक्टर में देखा इसकी क्लच में बिल्कुल पले नहीं थी, धुआं उठने का काम था। अब हमने इसकी क्लच में पले करी, ये क्लच में पले करी देखो ये। लेकिन ट्रैक्टर में लान इतना ज्यादा था, अगर लान में अगले ने स्लप मार दी लगातार और चल दे कहीं बंद नहीं कर, बंद करने के बाद में स्लप टूट गई इसकी। ये देखो स्लप, ये रही बिल्कुल टूटी और स्लप पाई है भाई, ये टूट गई और टूट का आगे थे इसका सारा अंदर तो टूटी पड़ी है ये देखो। और टूटने के कारण इसमें दिक्कत होगी, वह हमने दूसरी स्लप लाई है ट्रैक्टर में, ये दूसरी स्लप बेड़ी है, ये ला दी हमने स्लप। तो सुबह रे हमें करीब नो माले 5 बजे के करीब आ लिया हम यार ट्रैक्टर में। ये सलब देखो किस तरीके से टूट रही है, तो ये लापरवाही है, ड्राइवर लापरवाही कर दे, लापरवाही की वजह से दिक्कत होगी। देखो टूटी पड़ी है भाई, वो तो ये ड्राइवर है भाई अपना थोड़ा सा ध्यान करे इस चीज़ में, ध्यान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लग सकती है इस हादसे में बहुत दिक्कत हो जाए हैं। तो ये दिक्कत की वजह से प्रॉब्लम हो जाए, खाम खा की दिक्कत हो जाए, तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है। कल चम जुकर पले है और कुछ है, ये ट्रैक्टर की टेप टूपट में ले आओगे ओके करेंगे, एवरेज में भी बहुत ज़्यादा, एवरेज में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ का भाई ध्यान रखा माना से, कोई भी हादसा होते होते थे बच जाए, बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रैक्टर था जो गया भाई, इसका सूच खराब हो गया, सूच ना खराब हो जाए तो भाई के खोलना चाहिए इसके बारे में बताओ। तो ये सूच है पंप का, कई बार भाई नौके आ जाए हैं, दिक्कत हो जाए है घनी मोटी, स्टार्ट नहीं होता। तो यो फ्यूज है जो सूच है, इस सूच ने खोल है, खोल कर डायरेक्ट हो जाए भाई। ये सूच लग रहा है पंप का, इसका तार ला के सीधे याड़े तो याड़े डायरेक्ट भी हो सका, लेकिन वो खराब है, खोलना पड़ेगा ये 100% ये सूच है। इस सूच के बारे में क्योंकि वो सलब भी दिक्कत होगी थी, सलब बदल दी थी, सूच में दिक्कत होगी। तो ये सूच है, इस सूच में दिखाओगे गोली या कैप्सूल निकलेगा, इसने काट दें फिर दिक्कत नहीं होती है। बंद हो गया था ट्रैक्टर, फ्यूज का चेक करे, फ्यूज हम दिक्कत नहीं पाई, इस कर कई सूच में दिक्कत पाई। देखो ये सूच खोल दिया है, अड़े भीतर होगा सूच, एक ये स्प्रिंग निकलेगा इसमें, तो एक गोली ही निकलेगी फिर भी डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें फ्यूज की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इमरजेंसी है कौन है ना खेत में कीते के लिया, इस करके ये दो चीज़ें निकलेंगी, ये निकलेगी दोनों, ये गोली ही है, ये सूच है और ये भी डायरेक्ट कर दिया डायरेक्ट। कभी भी कोई दिक्कत हो जाती इसने खोल सके भाई, देख कर खोल है खराब ना हो जाए सूच, तो इस सूच में को प्रॉब्लम हो जाती इसने खुद भी अपने आप खोल सको, खोल के सीधा डायरेक्ट हो जाए। 24 नंबर की चाबी लग गई, चाबी तो ये 24 नंबर की चाबी, इसकी गला खुल जाए, ये देखो ये चाबी 24 की, इसके गला खुल कर अपने आप भी बदल सके ताकि कोई दिक्कत ना रहे। और इसके डायरेक्ट तार भी लगा, इसके तार लगा कर जो स्लब पर तार रह रहे हैं, ये लीड है ये जो स्लब की, ये इसका लगा इसको यहाँ तक, यहाँ भी तार लग जाए, कई बार हम बताओ कई बार जिम्मेदार दिक्कत हो जाए। तो ये भी टाइट हो गया डायरेक्ट, ये बंद हो गया था रास्ते में लेने लेने, इसकी सेल्फ टूट रही थी जो वायरिंग में को फॉल्ट है, तो इस करके दिक्कत हो गई थी, फ्यूज डाउ था ये, तो ये हमने सीधा कर दिया। यो था भाई सीधा कर दिया भी, इन्हें गल है कुछ में चौकस, अरे फ्यूज नहीं गल ली है
उधर ट्रेलेट पे अटना पड़ा तो मंगा लेंगे। ओके ठीक है ना, ये भी गियर में बंद होगा, राजन झट्टा खत्म चालन दे ना तो ब्रेन माटी कर देगा। यो ये स्विच शॉर्ट हो रहा भाई, तीन फ्यूज भी भरा नहीं था, यो एक तरह से म्यूट लाया शुरू में, वो गिर है क्या टूल में, हां दो फिर गाल लिए लंदे डावर कल्ला दे भरे इशू सीधा कर दिया, ये कोई दिक्कत नहीं आओगी, प्लस तेरा था नहीं यो, और सिस्टम सारा ठीक रहा, मीटर मीटर सब में सब कुछ, फ्यूज जरूर गाल सलप मार के देखेंगे, करिए को चेक बुझ बाहर है स्टार्ट हो गया सीधा डायरेक्ट, बंद नहीं होगा भाई इसके वजह से, बंद नहीं होगा, गियर में थमना पड़ेगा, इसको हमने सीधा बिल्कुल सीधा कर दिया है, कोई दिक्कत ना होगी, सीधा कर सीधा हो गया, इसकी सीधी सीधी में भाई सीधा हो गया, डायरेक्ट हो गया, बंद होगा ये गियर में, छोटा मोटा खुद भी कर जाएगा, दिक्कत ना हो भाई, छोटा प्रॉब्लम ना हो भाई।